लखनऊ में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान, महंगे हुए पेट्रोल डीजल के दाम पर बयान, कच्चा तेल $70 प्रति बैरल है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल के बाद अब डीजल भी, सो पार, यह जनता की गाड़ी कमाई पर लूट है। पेट्रोल कच्चा तेल आज भी $70 पे है, पर दाम बढ़कर 104.5 पेट्रोल का और 100 का शतक लगा दिया डीजल ने, जो किसान ट्रैक्टर में भरवाता है, ट्यूबवेल चलाता है, मड़ाई करता है, जिससे वो भी 100 के पार हो गया बहुत से शहरों में। ये कैसा चमत्कार है मोदी जी कि $140 पे खरीद के कांग्रेस की सरकार देशवासियों को ₹60 में देती रही और आप सिर्फ उसके आधे पे खरीद के $70 पर बैरल आप दे रहे हैं ₹105 में। ये एक लूट है, लूट है, लूट है जनता के गाढ़ी कमाई पर और उसकी जेब पर। आपके पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि ये हमने इसलिए रखा है कि कोरोना से लड़ाई हो। अरे कोरोना के लिए जो 35,000 वैक्सीन के लिए रखा था 35,000 करोड़, उसका क्या हुआ, उसका तो हिसाब दीजिए। और बहाना ही बनाना है तो कोई इतना तो बनाइए जो थोड़ा बहुत सच हो, 5-10%। कुल मिला के मोदी जी, आप अडानी एंड कंपनी को जो लूट की इजाजत आपकी सरकार दे रही है, ये अक्षम्य अपराध है जो भारत की अर्थव्यवस्था से, मध्यम वर्ग के लोगों से, गरीब लोगों से, किसानों से, नौजवानों से हो रहा है।